कई रहस्यों को समेटे हुए है बहर स्थित माँ शारदाम्बिका का मंदिर। मध्य भारत के श्रृंगेरी मठ के नाम से भी जाता है जाना। मान्यता के मुताबिक आज भी आल्हा करते हैं माँ की प्रथम पूजा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले के बहर में माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है, जो शक्तिपीठों में से एक है। बहर स्थित शारदा माता का मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ माता सती के गले का हार गिरा था, इस कारण से इस स्थान का नाम मैहर यानी माई का हार पड़ा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 522 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यहाँ माँ शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे के ना पढ़े जा सकने वाले शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। पहले यहाँ बलि चढ़ने की भी प्रथा थी, जो सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों के कहने पर तत्कालीन महाराजा बृजनाथ सिंह जूदेव द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह भी इसी प्रतिमा में देवी शारदा के साथ विराजमान है। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदाम्बिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजित माता शारदाम्बिका श्रृंगेरी की पूज्य देवी का ही रूप मानी जाती है। साथ ही श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार यहाँ भी 3 प्रहर की पूजा होती है। स्थानीय विद्वानों और मंदिर से जुड़े लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने बहर में सबसे पहले माता शारदा की विशेष पूजा की थी। माता शारदाम्बिका महा सरस्वती की अवतार स्वरूप हैं, जो पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना में आदि शंकराचार्य की सहायता के लिए आई थी। उत्तर भारत में जो लोग श्रृंगेरी मठ तक नहीं जा सकते, उनके लिए मैहर का माता शारदा मंदिर ही महान तीर्थ है। वैसे तो यह स्थान सदैव ही श्रद्धालुओं से भरा रहता है, किंतु विशेष पर्वों पर यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। 2 मुख्य नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि को भी यहाँ का विशेष त्योहार माना जाता है। नवरात्रि में मध्य भारत के अलग अलग स्थानों से लोग माता शारदाम्बिका के दर्शन के लिए मैहर आते हैं। नवरात्रि पर्व का प्रारंभ महाअभिषेक से होता है। इसके बाद 4 दिन तक लक्षार्चन एवं देवी महात्म्य परायण होता है। अंत में नवमी के दिन शत चंडी यज्ञ एवं विद्यारंभ की पूजा होती है। इस दिन लोग अपनी संतान के विद्यारंभ के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मैहर आते हैं। इन 9 दिनों के दौरान माता शारदाम्बिका की उपासना महाकाली, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडेश्वरी एवं गजलक्ष्मी के रूप में होती है। मंदिर परिसर माता शारदाम्बिका के अतिरिक्त काल भैरव, बाल गणेश, हनुमान, ब्रह्मा आदि देवों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी उपासना का विशेष महत्व है। आल्हा और उदल 2 भाई थे, जो चंदेल राजा परमाल के सेनापति थे। दोनों ही माता शारदा के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि आल्हा ने लगभग 12 वर्ष की तपस्या की, जिससे उन्हें माता शारदा के दर्शन प्राप्त हुए और अमृतत्व का वरदान मिला। मैहर के मुख्य परिसर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आल्हा का मंदिर, तालाब एवं अखाड़ा है। इसी अखाड़े में आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। इस स्थान की विशेषता है कि आज भी यहाँ लगभग 1000 वर्षों से आल्हा अपनी आराध्य देवी की उपासना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए हैं, तब मंदिर के गर्भगृह में जल और ताजे पुष्प मिले हैं। ये कई वर्षों से होता आया है और आल्हा द्वारा सबसे पहले पूजा किए जाने की बात पर न केवल श्रद्धालु बल्कि कई विद्वान भी यकीन करते हैं।